हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एडीजीपी श्रीकांत जाधव के निर्देशानुसार प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत उनकी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उनकी टीम ने देर रात खुर्दी नहर पुल से नशे की सप्लाई के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 210 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजेश देशवाल ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक युवक खुर्दी नहर पुल से होता हुआ स्मैक लेकर निकलेगा। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर सोहन महबूब अली, एएसआई पवन कुमार, हेड कांस्टेबल अशोक की टीम का गठन किया गया। मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ सिंचाई विभाग सुशील कुमार को बुलाया गया, जिसके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 210 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी की पहचान करनाल के घरोड़ा के मूड़ी गड़ी निवासी सोएब के नाम से हुई है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजेश देसवाल ने बताया कि आरोपी पिछले 3 महीने से नशे की सप्लाई कर रहा था और वहां उत्तर प्रदेश से नशा लेकर आता था। उन्होंने बताया कि इससे पहले उनकी टीम ने 6 क्विंटल करीब 3 करोड़ का गांजा पलवल से पकड़ा था। इसके अलावा 395 ग्राम चिट्टा भी जिंद से पकड़ा था। उनकी टीम लगातार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसमें हमारे हरियाणा के प्रमुख श्रीमान डीजीपी साहब श्रीकांत यादव जी के निर्देशानुसार लगातार नशे पर प्रहार किया जा रहा है, और इसी संबंध में गुप्त सूचना के आधार पर कल नहर खुर्दी पुल के पास से 210 ग्राम बरामद हुआ। सर, जो पकड़ा गया है उसकी क्या पहचान है, क्या पता लगता है? ये सोएब नाम का लड़का है और कड़ी मुंडों का रहने वाला है। सर, जो स्मैक करनाल में पड़ता है, रोना थाने। सर, जो स्मैक पकड़ी गई है उसकी क्या कीमत है? उसकी लगभग 8-10 लाख रुपए की कीमत है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।